एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो देखिए आज मैं अपने न्यू ब्लॉग में क्या करती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 8 और 8 बजे मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज मैं हो गई हूँ रेडी। ओए यार, ये ना दादाजी के लिए लेके आए गिफ्ट। दादाजी के घर जा रहे हैं ना हम। आज दादाजी का बर्थडे है, दादाजी का बर्थडे है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और ये गिफ्ट अभी मैंने जस्ट ही मंगाया है, जस्ट ही आया है गिफ्ट। और ये अभी मासी जी गए थे बाहर, मैंने बोला दादाजी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आओ यार, बर्थडे है उनका। अभी चलती हूँ और दिखाती हूँ क्या सीन है उधर। अभी ने बोल दिया था दोपहर को ही कि खाना मत बनाना, खाना उधर ही बनेगा हमारी तरफ। तो मासी जी आ रहे हैं पार्टी में बाहर। इसके अंदर केक नहीं है, दादाजी के घर केक है। चलो चलते हैं, ठीक है, चल। तो मैं आ गई अभी भाभी के घर, तैयारी में जुटी है। तो भाभी किस चीज की तैयारी चल रही है? आज है पापा का बर्थडे। अच्छा, और इनमें क्या हो रहा है? इनमें ये रख रहे हैं अभी। क्या? केक रखेंगे। केक रखेंगे और इसमें कोल्ड ड्रिंक है ना। अच्छा, क्या बना लिया खाने में? खाने में क्या क्या बना लिया? खाने में रायता बन गया, मटर पनीर बन गया, आलू बन गया। खाना पापा गए पार्टी में, क्योंकि उन्होंने मेरे को दोपहर ही बोल दिया कि मैं तो पार्टी में जाऊंगा। तो अभी आए, अभी निकल गए ना वो पार्टी के लिए। निकल गए वो तो पार्टी के लिए। अच्छा, ये दोनों लेट लतीफ एक ही साथ आई हैं। अरे यार घर में मेहमान आ गए थे यार, क्या करूँ मैं? मेहमान आए थे मेरे। कन्नू कन्नू दिव्यांश, ए चलो बैठक में जगह बनाओ दीदी, बैठक में जाओ, बैठक में जगह बनाओ। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। अरे ये वाली है, ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। अपने दोस्तों पे खिलाइए और काट लियो ना यार। अरे पापा आप वहीं रहिए, आपके पास आ कर लो, यहां बैठो ना। और लाल बाल पर तो हमें बोला था ना, कोई डर तू खा जा भी, चल तू एक क्रिस्पी की चिरा ले। अब आगे होगी रेडी। जैसे सुषा भजन वाला तो आप लोग कभी रूट आप भी जाओ ना। मिले खाओ ना। अरे अरे यार वो भी हंस रहा है, देखो अच्छी है। जब बंदी बड़ा निकालो छुट्टी छुट्टी आपको और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी और बूंदी का रायता। अच्छा पंडित जी का है इधर, बुआ जी कर रही हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग। अच्छा ये तो क्रॉसिंग, खोल दिखाओ मुझे, दिखाओ
क्या लिख रहा है देखा मोहन सिंह मिर्ची लिखा है। हाँ मोहन सिंह, हाँ मोहन सिंह मिर्ची लिख रहा है। ये तो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। अरे वाह, ये दादाजी का गिफ्ट है कन्नू, दादाजी को डायरी मिली है और देखो उसमें ड्राई फ्रूट्स मिले हैं। ड्राई फ्रूट्स अखरोट, अच्छा ये मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। भाइयों ने मिलके बनाया क्या? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? बता तो मुझे, फिर मैं तुम्हारी भाभी से पूछा क्या देना है, तुमने कहा वो देगा। अच्छा वो ले रही है, क्या बढ़ेगा वे? मुझे तो लगता है पैकिंग नहीं करानी चाहिए। ये माया फिर बड़ा बुरा लगता है इसको बोलने में, क्या बढ़ेगा? और पैसे वेस्ट नहीं होते 10-20 रुपए, तो देने में तो अच्छा लगता है ना। यही तो है। हाँ अभी आपके काम का लग रहा है, भाभी के काम। गणपति बप्पा भोरिया, पापा जी गणेश जी के दर्शन। अरे भैया बेटा ना, अभी करते हैं, पहले सबके बोल दे। क्या है ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग? भी देख रहे हैं, ये भी 24, ये राधा कृष्ण। दिखाओ कैसे करो, सुन ही रहे हमारे शुभम पारस के बर्थडे में तो भगवान हमारे शोकेस में लगा लगा के थक जाते थे हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो गई। मैंने खाई केक, पेप्सी पी आपने। अभी बज गए रात की 11, तो आज कब लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें।